देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले के चानंद से है। एकल अभियान संस्था एकल विद्यालय अभ्युदय यूथ क्लब वन बंधु परिषद लखीसराय भाग भागलपुर संच स्तर खेलकूद एवं संच चानंद संभाग दक्षिणी बिहार अभ्युदय यूथ क्लब लखीसराय द्वारा हरेक प्रखंड में खेल आयोजित कर रही है। इस खेल में संग्रामपुर पंचायत के भंडार के अजीत कुमार, कुंदर पंचायत के चुरामन बिघा के मौसम कुमारी, ये दोनों खिलाड़ियों ने लखनऊ तक जाकर अपना खेल कबड्डी के माध्यम से अपना जलवा दिखाने का प्रयास किया और अपने गाँव घर का नाम रोशन किया। साथ में बिहार राज्य की प्रतिभा को दिखाने का भी प्रयास किया है। अगर इन खिलाड़ियों का सहयोग कर इन्हें समर्थन दिया जाए तो आगे भी यह खिलाड़ी विश्व चैंपियन बन सकते हैं। एकल अभियान से जुड़े सदस्यों ने इसे बताते हुए बताया कि हम लोग सभी खिलाड़ियों को सही ट्रेनिंग देते हैं और इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। बहुत खिलाड़ी लखनऊ से खेल कर आए हैं पर राज्य स्तरीय स्तर तक का खेल नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ तक पहुँच जरूर गए हैं। वहाँ पर पहुँचाने का काम हमारे संस्थान ने खिलाड़ियों को किया है। कुंदर पंचायत के चुरामन बिघा के अर्चना कुमारी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का काम किया। लखीसराय चानन से सुजीत कुमार संघ, श्रवण कुमार की रिपोर्ट। ट्रस्ट है, एकल ट्रस्ट, इसके तहत आप लोग खेल जो प्रतियोगिता होता है जहाँ जहाँ होता आप लोग जाते हैं, इसमें किस स्तर तक आप खेल में गए हैं? ऊंचाई तक गए हैं, लखनऊ तक। लखनऊ तक, मतलब कब से मतलब खेल रहे हैं ये खेल में कबड्डी? 2022 से। आप नहीं बोली 2022 से। और ये जो खेल खेल रहे हैं इसमें सब लोग प्रोत्साहन मतलब आपको उत्साहित करते हैं? हाँ। कि मतलब और खेलो, बढ़िया से खेलो, आगे ऊपर बढ़ो? हाँ। और मतलब जो संस्था जो ट्रस्ट है उसके तहत आपको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कैसे समझाया जाता है कि आप आगे और बढ़ें और आगे आगे तक जाएं? क्योंकि एथलीट में बेटियां हों या बेटे हों, अभी एशियन गेम चल रहा है, सब जगह गोल्ड मेडलिस्ट में लगभग अभी 100 पार करने को है, ठीक है, गोल्ड मेडल में। तो वो कोई सपना तो होगा आपका? सपना है। क्या है बोलो, हिचकिचाना नहीं है? और ये जो खेल खेल रहे इसमें कहाँ तक जाने का है? ये तो बिहार पुलिस तो मिल जाएगा, लेकिन इस खेल के जरिए आप देश का नाम कहाँ तक रोशन करना चाहते हैं? गोल्ड मेडल। आपका नाम क्या हुआ? मौसम। कहाँ से? चुरामन बिघा। पंचायत? धन्यवाद। ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में आप लोग बच्चों को किस प्रकार से मतलब खेलने के लिए प्रेरित करते हैं? नियम के आधार से, जैसे खेलकूद हर तरह से खेलकूद होता है, उसमें जब जब वक्त मिलता है तो हम लोग बोलिए। मतलब बच्चों को जो है कि मतलब अगर कोई दिक्कत हो, जैसे खेल रही है अभी कबड्डी में, किसी का हाथ में चोट लग गया या पैर में चोट लग गया, तो उस टाइम पे कैसे आप लोग उसको मतलब हैंडल करते हैं? संकलम पतलम मतलब भरवा के उसके बाद जो है दवा उबा लगा के फिर इन्हें कहते हैं कि नहीं खेलिए, खेलने मना नहीं करते, खेलिए। और इसके बारे में आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, और लोग भी इस संस्था से जुड़े और भी लड़के लड़कियां इस खेल को खेलें, उसके बारे में? आपका नाम? कहाँ से? पंचायत। धन्यवाद। क्लब जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उसमें आप कब से जुड़े हुए हैं और कब से खेल रहे हैं इसमें? अगला साल मतलब पिछले 2022 से। मतलब आपका कौन सा खेल में रुचि है? कुश्ती में। कुश्ती में आप कहाँ कहाँ खेले और किस ऊंचाई तक गए हैं? पहले हाई स्कूल गए, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद गया, उसके बाद लखनऊ। लखनऊ, मतलब इसमें संस्था के तरफ से मतलब क्या आपको मतलब प्रोत्साहन मिला है, जिससे कि आप? मेडल मिला और कपड़ा मिला। प्रोत्साहन राशि ये सब कुछ नहीं, मतलब प्रोत्साहन राशि जहाँ भी मिलता है, जैसे कि प्रतियोगिता में आप कौन कौन सा लेवल मतलब पार किए हैं? लेवल जो है आप मतलब जो कौन ये जिला स्तर खेल चुके हैं, स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कब खेले हैं अभी कि नहीं खेले? कब? एक साल पहले। मतलब 2022 में।
मतलब कब चयन जो हुआ था उस टाइम आप क्या कर रहे थे? उस टाइम कौन से क्लास में थे? क्लास टेन में। जब आपका एग्जाम हो चुका था या एग्जाम बाकी था? एग्जाम बाकी थे। तो उस टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल कुश्ती में गए थे तो कौन सा देश गए थे खेलने के लिए? देश नहीं तक रहा, भारत में। मतलब भारत तक। मतलब कौन कौन सा देश का खिलाड़ी आया था ये बता सकते हैं? उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, छत्तीस बोल दीजिए, जम्मू कश्मीर। मतलब जितना अपना राज्य जो है भारत में जितना राज्य है उतना मतलब लोग मतलब जो राज्य है लगभग 20 राज्य के खिलाड़ी वहाँ पहुँचे थे। तो आपका कौन सा स्थान था? रैंक उत्तर बिहार, दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार है। रैंक मतलब कितना नंबर पे आप रहे? दो नंबर से हारे कि एक नंबर? 2.4। 2 पॉइंट से। तो फिर आप अपना खेल को किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं? कुश्ती में है। और आगे मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं? कहाँ पे तैयारी करते हैं? घर पर। घर पे व्यवस्था मिल जाता है? आपका नाम क्या हुआ? अजीत कुमार। कहाँ से? भंडार। पंचायत? रामपुर। धन्यवाद।